दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ, जहां नई कार्यकारिणी के गठन के साथ विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कर्मचारी हितों को लेकर आश्वासन देते हुए पूरा सहयोग करने की बात कही। इस दौरान जोन के सभी मंडलों से कर्मचारी शामिल हुए और वेतनमान, पेंशन स्कीम, रेलवे में FDI आदि विषयों को लेकर आगे की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, बड़ा उद्योग अगर कहीं लगा तो बिलासपुर में लगा, राजस्थान में स्पिनिंग मिल बिरला ग्रुप। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा उद्योग नहीं था, भिलाई स्टील प्लांट तो उसके बाद में आया, पर आज वो स्पिनिंग मिल बंद है। केवल वहां की ट्रेड यूनियन की दखलअंदाजी के कारण न तो उसकी स्क्रीन में की हालत खराब हुई, आए दिन मारपीट, कानून की व्यवस्था खराब, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बिलासपुर में उद्योग आना बंद। और उसका एक दुष्परिणाम और हुआ, हम सब बिलासपुर के वासी हैं, बिलासपुर की सारी सड़क तरक्की कर रही है। रायपुर रोड में आप चले जाओ, चारों तरफ विकास जमीन के लिए पड़े हुए। आप सरकार को बिलासपुर का चुनाव क्या वादा था? दक्षिण पूर्व मध्य मजदूर संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन का, इसमें हमारे कार्यकारिणी का गठन होता है, जो दो साल के लिए चलता है। पूरे जोन से कार्यकर्ता आते हैं, फिर रेलवे कर्मचारी